सीनियर केजी क्लास, गुड मॉर्निंग। ओके, तो आज हम राइम्स करने वाले हैं, आज हम एक नई पोयम सीखने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अपनी राइम की बुक निकालो एंड ओपन पेज नंबर 10। पेज नंबर 10। ओके, तो आप सबको यहाँ पे क्या दिख रहा है? आज पोयम किसके ऊपर है? यहाँ पे सन है, फिर एक छोटी सी बेबी गर्ल है, एक गर्ल है छोटी सी जिसके हाथ में प्लांटेशन। देखो यहाँ पे उसके यहाँ पे पॉट है जिसमें से पानी हम डालते हैं प्लांट्स में। फिर यहाँ पे उसके पास प्लांट ग्रो करने का सब सामान है। आप सबको दिख रहा है, जब भी हम बीज एक मिट्टी में डालते हैं तो हमको पहले खोदना पड़ता है, राइट? तो वो शॉवेल और सब उसके पास सामान है। तो आज की पोयम का नाम क्या है? सीड। ओके, सीड मतलब बीज। अभी हमको अगर कुछ भी प्लांट करना होता है तो हम डायरेक्टली अभी रोज डाल देंगे ग्राउंड में तो रोज उग जाएगा? नहीं उगेगा, राइट? तो उसके लिए हमको रोज की सीड डालना पड़ता है, राइट स्टूडेंट्स? सीड मतलब बीज, सीड मतलब बीज। तो जो प्लांट की, जो प्लांट जिससे उगता है उसको हम सीड बोलते हैं। एक छोटी सी सीड आती है, वो अगर हम डालते हैं मिट्टी में तो उसमें से फ्लावर उगता है, फिर फार्मर्स लोग राइस उगाते हैं, जवार उगाते हैं, बहुत सारी चीजें उगती है, राइट? तो आज की पोयम का नाम क्या है? सीड। ओके, तभी अभी आप सब लोग इमेजिन करो कि आप लोग एक प्लांट को ग्रो करने वाले हैं, राइट स्टूडेंट्स? जस्ट इमेजिन। तो उसके अंदर पहले आप क्या करोगे? पहले हमको मिट्टी चाहिएगी, राइट? हम मिट्टी लेंगे, फिर उसको थोड़ा डीप होल करेंगे और उसके अंदर हम सीड्स डालेंगे। क्या डालेंगे? सीड्स डालेंगे, बीज डालेंगे, राइट? सीड्स डालेंगे, फिर उसको हम घर के अंदर ही रखेंगे? नहीं ना, उसको हम बाहर रखेंगे ताकि उसको सनलाइट मिले और अच्छे से ग्रो हो और एक फ्लावर बने, राइट स्टूडेंट्स? उसके ऊपर हम थोड़ा पानी डालेंगे, या तो थोड़ा रेन ड्रॉप्स आता है वो डालेंगे, या रेन ड्रॉप्स उस पर गिरेगे तो वो अच्छे से ब्लूम होगा, राइट? फ्लावर अच्छे से उगेगा, इतना बड़ा फ्लावर हो जाएगा, राइट? तो ये पोएट भी यही बोल रहा है कि वो पोएट ने कैसे फ्लावर उगाया। ओके ओके, फर्स्ट लाइन, आई प्लांट अ लिटिल सीड मतलब उसने एक छोटी सी सीड को मिट्टी में डाला, उसने प्लांट किया। ओके, आई प्लांट अ लिटिल सीड इन द ग्राउंड। इन द ग्राउंड मतलब जमीन में डाला। पहले उसने मिट्टी खोदी, उसके अंदर सीड डाला, प्लांट किया। आउट कम्स द सन बिग एंड राउंड। ओके, सन कैसे? इतना छोटा का भी सन होता है? नहीं ना, सन तो इतना बड़ा होता है। तो पोएट भी वही बोल रहे हैं कि जब सुबह में एक बड़ा सा सन निकला और एकदम बड़ा और राउंड था। आउट कम्स द सन बिग एंड राउंड। ओके, तो ये सीड बोल रही है कि जब मुझे प्लांट किया फिर एक बड़ा सा सन निकला, बिग एंड राउंड, गोल था और एकदम बड़ा था। डाउन कम्स द रेन ड्रॉप्स सॉफ्ट एंड स्लो। ओके, अभी नेक्स्ट लाइन, डाउन कम्स द रेन ड्रॉप्स मतलब थोड़े थोड़े जमीन में थोड़ा थोड़ा पानी गिरा, रेन ड्रॉप्स गिरे, एकदम थोड़े थोड़े रेन ड्रॉप्स गिरे, सॉफ्ट थे और एकदम स्लो थे, एकदम थोड़े थोड़े रेन ड्रॉप्स गिरे, सॉफ्ट एंड स्लो। सॉफ्ट मतलब नरम और स्लो, स्लो मतलब धीरे। ओके, अप कम्स अ फ्लावर, ग्रो ग्रो ग्रो। ओके, तो जब भी हम प्लांट उगाते हैं, जब भी हम प्लांट करना सोचते हैं, तो हम प्लांट तो हमने कर दिया, फिर सनलाइट भी आ गई, रेन ड्रॉप्स भी आ गए, उसके बाद क्या आता है? उसके बाद प्लांट अच्छे से उग जाता है
और इतने अच्छे अच्छे फूल खिलते हैं, राइट? तो पोएट भी यही बोल रहे, अप कम्स अ फ्लावर, वो जमीन में से इतने बड़े अच्छे अच्छे फ्लावर्स निकले, जमीन में से फ्लावर्स निकले और इतने बड़े बड़े ग्रो हो गए, इतने अच्छे उग गए, ग्रो ग्रो ग्रो, ग्रो मतलब उग गए। ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड एवरीवन? ओके, अभी आप सब लोग मेरे साथ बोलोगे, ओके। आई प्लांट अ लिटिल सीड इन द ग्राउंड, आउट कम्स द सन बिग एंड राउंड, डाउन कम्स द रेन ड्रॉप्स सॉफ्ट एंड स्लो, अप कम्स द फ्लावर ग्रो ग्रो ग्रो। ओके, आई होप आप सबको समझ में आई होगी ये पोयम। ये पोयम में क्या है, पहले पोएट ने सीड को प्लांट किया, सीड को जमीन में डाला। ओके, नेक्स्ट उसने क्या नोटिस किया कि एक बड़ा एक सन बाहर निकला, आसमान में सन बाहर निकला जो एकदम बड़ा था और राउंड था। सन का शेप क्या होता है, सन का शेप ट्रायंगल होता है? नहीं ना। तो पोएट भी वही बोल रहे, इतना बड़ा था और राउंड था, राउंड था। ओके, डाउन कम्स द रेन ड्रॉप्स, फिर थोड़े थोड़े रेन ड्रॉप्स आए जो एकदम सॉफ्ट थे और स्लो थे। ओके, एंड अप कम्स द फ्लावर, फाइनली इतने अच्छे फूल आए और वो अच्छे से ग्रो हो रहे थे, ग्रो ग्रो ग्रो, ग्रो मतलब उग रहे थे, बहुत अच्छे से उग रहे। ओके स्टूडेंट्स, ओके तभी हम फिर से रिवाइज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई प्लांट अ लिटिल सीड इन द ग्राउंड, आउट कम्स द सन बिग एंड राउंड, डाउन कम्स द रेन ड्रॉप्स स्लो एंड सॉफ्ट, अप कम्स द फ्लावर ग्रो ग्रो ग्रो। ओके, वेरी गुड स्टूडेंट्स, आई होप आप सबको समझ में आई होगी। अब हम लास्ट टाइम एक बार रिविजन करते, ओके? एक बार आप सब लोग फिर से मेरे साथ ओरल करोगे। आई प्लांट अ लिटिल सीड इन द ग्राउंड, आउट कम्स द सन बिग एंड राउंड, डाउन कम्स द रेन ड्रॉप्स सॉफ्ट एंड स्लो, अप कम्स द फ्लावर ग्रो ग्रो ग्रो। ओके स्टूडेंट्स, तभी आप सब लोग को समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया होगा तो मुझे कभी भी आप व्हाट्सएप या कॉल करके पूछ सकते हो, एंड मुझे सब बच्चे, सब सीनियर केजी के बच्चों के वीडियोस चाहिए। आप सब लोग अच्छे से रिवाइज करोगे, ओरल करोगे, और मुझे सारे बच्चे के, स्ट्रिक्टली मैं बोल रही हूँ, मुझे वीडियोस बहुत कम बच्चों के आते हैं, मुझे सारे बच्चों के वीडियोस चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, सी यू।